अगर आप सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है तो आप 100% गलत है, क्योंकि ये कोरोना अभी भी जड़ से खत्म नहीं हुआ है। एक के बाद एक केस आ रहे हैं और परेशानी हो सकता है आने वाले दिनों में बढ़ जाए अगर लापरवाही की गई तो। नई गाइडलाइन जारी की गई है और इस गाइडलाइन को आपको भी समझना जरूरी है। त्योहारों को देखते हुए इसे जारी किया गया है। कहा गया है कि 5% से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में कोई भी सामूहिक आयोजन की अनुमति न दी जाए। राज्य सरकार पूरी तरीके से पहले ही दिशा निर्देश जारी करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन हो तो वहां पर कार्रवाई के लिए सरकार कदम उठाए। समारोह ऑनलाइन करें, खरीदारी ऑनलाइन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। ये गाइडलाइन जारी की गई है और मांग की गई है कि सभी राज्य इसे गंभीरता से लें। खैर, इस गाइडलाइन को आप सिर्फ त्योहारों तक के लिए ही न लें, क्योंकि टेंशन की बात फिर से आ गई है। वो है कोरोना में फिर से तेजी आना। इसी के साथ चीन में भी फिर से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और रूस में भी ये तेजी देखी गई है, जिससे सख्ती भी शुरू हो गई है। टेंशन देखिए यहीं पर खत्म नहीं हो रही, एक और टेंशन है, वो ये कि एक नया वेरिएंट मिला है। हालांकि ये वेरिएंट ब्रिटेन से मिला है और इस वेरिएंट का नाम AY42 रखा गया है। वायरस के इस वेरिएंट को डेल्टा के मुकाबले ज्यादा घातक माना जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये वेरिएंट फैलता बहुत तेजी से है। AY42 की वजह से ही UK, रूस और इजराइल में COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी भी हुई है। अगर भारत की बात करें तो ये वेरिएंट भारत में है, हालांकि इसका नाम भारत में अलग है और इस वेरिएंट से जुड़े केसेस की संख्या भी कम है। लेकिन अगर लापरवाही की गई तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती है, इसलिए बचाव बेहद जरूरी है।